गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट, वेलकम ऑन योर फेवरेट चैनल साइंस वाला। एंड मैं आपका प्यारा साइंस टीचर अनिल तिवारी, अगेन वेलकम ऑन योर फेवरेट चैनल साइंस वाला। इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म फॉर माय डियरेस्ट स्टूडेंट। टुडे टॉपिक इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट पार्ट 3। And today topic is classification of acid. This chapter is common for class 10 CBSE as well as ICSC. Okay बच्चों, जिन बच्चों ने पार्ट 1 और 2 ना देखा हो, पहले पार्ट 1 2 देखिए, तब पार्ट 3 देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ओके बच्चों, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड देखो बेटा, देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एसिड। फर्स्ट इज ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड। बेटा जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नेचुरल अकरिंग एसिड। ओके, एंड डेफिनेशन इज दोज एसिड्स विच आर ऑब्टेन, एसिड्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर। नेचर का मतलब होता है प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड देयर प्रोडक्ट। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे बेटा आपने लिखा सिट्रस फ्रूट। देखिए सिट्रस फ्रूट का बेटा मतलब होता है जो लेमन या लेमन की तरह दिखते हैं, इन्हें बेटा हम लोग लेमन फैमिली का फ्रूट भी बोलते हैं। सिट्रस का मतलब होता है रसदार, जो फल होते हैं इसमें रस निकलता है, जूस निकलता है, और नींबू की तरह दिखे, जैसे नींबू, मौसमी, ऑरेंज, ये सब क्या है, सिट्रस फ्रूट। इस बेटा कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड। एक और समझिए, कर्ड। देखिए ये प्लांट हो गया, ये एनिमल का प्रोडक्ट हो गया। कर्ड में बेटा क्या होता है, लैक्टिक एसिड। ओके, इस तरह बेटा टैमरिन में होता है टार्ट्रिक एसिड। ओके, एप्पल में होता है मैलिक एसिड। बटर में जो बटर सड़ जाता है, रोटेन बटर खट्टा हो जाता है, उसमें बच्चों होता है ब्यूट्रिक एसिड, है ना, एंड एटसेट्रा। विनेगर, एथनोइक एसिड, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ओके, हमारी बात आप समझ गए होंगे। एक और इंपॉर्टेंट लिख लेते हैं, रेडॉन। कौन से एसिड जो होता है, तो मेथनोइक एसिड, या बच्चों इसको बोला जाता है फॉर्मिक एसिड। ओके, फार्मूला चाहो तो लिख लो HCOOH। आगे मैं आपको फार्मूला भी बताऊं तो उसके बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके बच्चों, तो ऑर्गेनिक एसिड समझ में आ गया। और देखिए सबसे बड़ी बात, इनके बारे में एक नोट पॉइंट लिखिएगा कि ऑर्गेनिक एसिड बच्चों जो होते हैं वेरी लेस कोरोसिव होते हैं, इनको हम लोग खा भी सकते हैं, यूज कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। तो इसमें नोट कर लीजिए, ऑर्गेनिक एसिड्स आर क्या होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स आर लेस कोरोसिव। और क्या होते हैं बच्चों, सेकेंड पॉइंट, ये वीक एसिड होते हैं। और थर्ड पॉइंट बच्चों क्या, इनको हम क्या कर सकते हैं, खा सकते हैं, ईट कर सकते हैं और कंज्यूम कर सकते हैं, बॉडी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेस कोरोसिव मतलब क्या हुआ, कैन नॉट बर्न आवर स्किन एंड क्लॉथ्स। ओके, क्लॉथ्स को हम लोग ये बर्न नहीं कर सकता, हमारे क्लॉथ्स को। ओके बेटा, इट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। चलो बेटा हम लोग नेक्स्ट अब पढ़ते हैं, सेकेंड होता है मिनरल एसिड। सेकेंड इज मिनरल एसिड। तो बेटा मिनरल एसिड क्या होते हैं, मिनरल एसिड, मिनरल एसिड इसको बच्चों लोग बोलते हैं मैन मेड एसिड या लैब एसिड,
इसको बच्चों बनाया जाता है, तो ये नेचुरल अक्रीन नहीं है। कैसे बनाए जाते हैं? तो ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स, दीज एसिड्स आर ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स, ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स। ओके, और समझ लो बच्चों, ये कैसे एसिड होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। और कैसे एसिड होते हैं? हाईली कोरोसिव होते हैं। हाईली कोरोसिव मतलब क्या हुआ? ये हमारे स्किन और कपड़े को जला सकते हैं, डेथ हो सकती है अगर आपके चेहरे पड़ जाए। मतलब क्या मतलब हो बच्चों? कैन बर्न और स्किन एंड क्लॉथ्स। ओके, अब देखो बेटा इस एसिड को कैसे पहचानोगे, बहुत ध्यान समझिएगा। जो मिनरल एसिड होते हैं, देखो HCl, HNO3, H2SO4, H2CO3, H2SO3 एटसेट्रा, H3PO4, बहुत सारे हैं, HF, HBr, HI एटसेट्रा, बहुत सारे एसिड। बच्चों देखो पहचाना कैसे जाता है कि एसिड ये मिनरल एसिड है? देखिए बहुत बारी बात ध्यान से समझिएगा, जिसके स्टार्टिंग में एच आ जाता है। ओके, तो एसिड क्या हो गया बच्चों? मिनरल एसिड हो गया। ये नेचर में नहीं पाई जाती, इनको लैब में साइंटिस्ट केमिस्ट ने क्या किया बच्चों? बनाया हुआ है मिनरल्स की हेल्प से। मिनरल्स कहाँ पाए जाते हैं? अर्थ से ऑब्टेन किया जाता है। ओके, और याद रखिए कि बहुत ही कोरोसिव नेचर के होते हैं, इसलिए बेटा इनको कहा जाता है स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब जो फटाफट रिएक्शन करे। स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब क्या होता है? जिनका बच्चों हाई होता है क्या रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो? हाई हो, ज्यादा हो, फटाफट बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ये रिएक्शन कर लेते हैं। ओके, जैसे HCl का आप NaOH से मिलाइए, बहुत फास्ट तरीके से HCl NaOH से मिलके NaCl और वाटर बना देता है। ओके बच्चों, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगते हैं बनने में। ओके, इसलिए इन्हें स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। चलिए अगला एक बहुत ही मेन पॉइंट इसके बारे में नोट कर लीजिए आप लोग, बेटा सारे मिनरल एसिड कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड, बट एक्सेप्शन नोट करिएगा, एक्सेप्शन। देखिए एक्सेप्शन बहुत सारे हैं, मैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। ये दोनों एसिड बेटा याद रखिए, H2CO3 और H2SO3, ये बच्चों हैं तो मिनरल, होना चाहिए स्ट्रॉन्ग, लेकिन होते कैसे हैं? वीक एसिड हैं। ये दोनों क्या है बच्चों? आर मिनरल एसिड, लेकिन कैसे मिनरल एसिड हैं? तो वीक हैं, वीक मिनरल एसिड। ओके, बाकी सारे कैसे होंगे? स्ट्रॉन्ग होंगे। ओके, आई होप आप हमारी बात समझ में आ गई होगी। चलिए हमने दो एसिड पढ़ लिया, ऑर्गेनिक और मिनरल। थर्ड एसिड थर्ड टाइप, तो थर्ड बेटा जो टाइप है इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। तभी तो स्ट्रॉन्ग एसिड मैंने आपको बताया कि जितने मिनरल एसिड होते हैं सारे क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं। ओके, और जितने ऑर्गेनिक होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों? वीक होते हैं। फोर्थ मैं लिख देता हूं वीक एसिड। तो देखिए इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, सारे ऑर्गेनिक एसिड। और बच्चों और तो एक्सेप्शन बताया था, कौन कौन सा? H2CO3, H2SO3। नेम क्या है इसका? नाम है कार्बोनिक एसिड। क्या नेम है इसका? कार्बोनिक एसिड। H2CO3 मतलब कार्बोनिक एसिड, H2SO3 का मतलब सल्फ्यूरस एसिड। कौन से एसिड? सल्फ्यूरस एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड की डिफिनेशन क्या होगी बच्चों? तो कोई इसका एग्जांपल पहले बता देता हूं, सारे आपके मिनरल एसिड। ओके, अब थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं। बेटा जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं इनको वाटर में डिजोल्व करने पे पूरी तरह से डिजोल्व होके आयंस बनाते हैं। ओके, समझ में आ रहा है? इसको क्या लिखेंगे बच्चों? दीज एसिड्स फॉर्म
high concentration of देखो कंसंट्रेशन का मतलब होता है अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन ऑन, क्या होगा बच्चों, कंप्लीट, ध्यान दीजिएगा, कंप्लीट डिसोसिएशन, मतलब पूरी तरह से टूट जाते हैं, घुल जाते हैं पानी में, थोड़ा भी नहीं बचता। जैसे शुगर को आप वाटर में डालो या सॉल्ट को डालो तो पूरी तरह घुल जाता है कि नहीं, तो सेम उसी तरह का ये एसिड है, होता है, मतलब पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है, डिसोसिएट का मतलब टूट जाता है, ओके, है कि नहीं। कंप्लीट डिसोसिएशन मतलब इसको आप ये भी लिख सकते हैं कंप्लीट आयोनाइजेशन। अब ये दोनों वर्ड में थोड़ा सा डिफरेंस होता है डिसोसिएशन आयोनाइजेशन में, इसको हम लोग बॉन्डिंग पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे, बाकी दोनों वर्ड सेम है, ओके बच्चों। फॉर एग्जाम्पल HCl को जब आप वाटर में डिजोल्व करेंगे तो बेटा कंप्लीटली H प्लस Cl माइनस में ब्रेक हो जाता है, थोड़ा भी इसका अमाउंट बचता नहीं है, जस्ट लाइक जैसे शुगर है। अब आप सोचिए वे क्या होते, पूरी तरह डिजोल्व नहीं होते, थोड़ा बहुत इनका अमाउंट हमेशा बचा रह जाता है, इसे क्या होगा बच्चों, मैं इसे में चेंज कर दे रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा, रुकिए यहां से मैं हटा देता हूं, देखिए अब मैं डिफिनेशन को चेंज कर देता हूं। वीक एसिड क्या होगा, दीज एसिड्स फॉर्म, क्या लिखेंगे, लेस कंसंट्रेशन यानी अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन ऑन कंप्लीट डिसोसिएशन, एक प्लस और ऐड कर लेना बेटा छूट रहा है, इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन, ये वर्ड बेटा स्ट्रॉन्ग में भी ऐड कर लेना है ना, लिखते समय छूट गया था, बाकी बस ये देखो ये वर्ड बस चेंज करना है, अगर यहां मोर लिख देंगे तो स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा, लेस लिख देंगे तो वीक एसिड हो जाएगा। अब देखो ध्यान समझना बेटा, ऑर्गेनिक एसिड में एग्जांपल ले लेते हैं CH3COOH, क्या बोलते हैं बच्चों इसको, एसिटिक एसिड, या बच्चों बोलते हैं एथनोइक एसिड, किसमें पाया जाता है, विनेगर में, जिसको आप बोलते हैं सिरका, तो सिरका इसी से तो बनाया जाता है, 5-8% सोलूशन होता है, दिख रहा है कि नहीं, देखिए मैं इधर सेट कर देता हूँ, दिख रहा होगा आप लोगों को, हाँ ठीक है, ओके बच्चों। अब आइए हम लोग समझते हैं इस चीज को क्या मतलब हुआ, सुनो बच्चों, जैसे आप CH3COOH को अगर वाटर में डिजोल्व करेंगे तो देखिए मान लो आपने 100 मॉलिक्यूल्स लिया, इसका 100 मॉलिक्यूल्स किसका लिया, एथनोइक एसिड का, वाटर में डिजोल्व करोगे बच्चों ना, तो वाटर में डिजोल्व करने पर 100 में से बच्चों 30 तो मॉलिक्यूल्स आयंस बन जाएंगे, लेकिन 70 क्या होंगे, नीचे सेटल हो जाएंगे, मतलब ये कंडीशन होगी, 30% क्या हो गया, ब्रेक हो गए, डिसोसिएट हो गए, लेकिन 70% क्या होंगे, नीचे सेटल हो जाएंगे, ऐसे इसमें क्या रहेगा, वाटर, तो वाटर में 70% तो डिसॉल्व नहीं हो पाए, मतलब कि डिसोसिएट नहीं हो पाए, लेकिन केवल 30% हुआ, तो बताइए क्या 100% डिसोसिएट हुआ, नहीं हुआ, 100% जो होगा वो क्या होगा बच्चों, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जो कम होगा 30% तक होगा वो क्या होगा बच्चों, वीक एसिड होगा। आई होप हमारी बात आप लोग समझ गए होंगे, अब आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट हाँ, तो कितने हो गए बच्चों, कितने हो गए माय डियर स्टूडेंट, काउंटिंग करिए, ओके बच्चों, तो क्या कंक्लूजन हमने निकाला बच्चों, देखो सुनो ध्यान से, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं ये कंप्लीटली बेटा क्या हो जाते हैं, कंप्लीटली आयोनाइज्ड, मतलब पूरी तरह आयंस बना लेते हैं, लेकिन जो वीक एसिड होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, पार्शियली आयोनाइज्ड होते हैं, ओके, आई होप हम लोग बात समझ में आ गई होगी, पार्शियली आयोनाइज्ड, ओके ठीक है। अब हमारी बात ध्यान समझिएगा, एसिड के बेटा हम स्ट्रेंथ को कैसे मेजर करते हैं, तो देखो बेटा इसलिए होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, बहुत ध्यान सुनना, एनटी एसिड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन
इसको बच्चों लिखते हैं अल्फा से, इसका मतलब होता है अल्फा। अल्फा का मतलब होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड डिसोसिएटेड इनटू आयन। देखो इसका मतलब क्या होगा, अल्फा का बच्चों मतलब होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड, मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड डिसोसिएटेड इन आयंस, कहां बच्चों इन वाटर, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकन। देखो बेटा जितने आपने मॉलिक्यूल्स लिया उसमें से कितने ब्रेक हो गए, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड कर दीजिए, ऑफ एसिड टेकन। बात समझ आ रहा है, ये अल्फा का मीनिंग होता है। अब इसको हम एक एग्जांपल समझते हैं बेटा। तो बेटा जैसे आपने फॉर एग्जांपल 100 मॉलिक्यूल्स H2SO4 लिए, इसको वाटर में डिसॉल्व करी, ये वाटर में डिसॉल्व किया 100 मॉलिक्यूल्स, किसके 100 मॉलिक्यूल्स हैं H2SO4 के, H2SO4 के 100 मॉलिक्यूल्स। आप देखो बेटा जैसे ही वाटर में डिसॉल्व करोगे ये सारे 100 मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, आयंस बना लेते हैं H+SO4-, इस तरीके से। अब आप बताइए इसका अल्फा कितना होगा, तो अल्फा इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एसिड डिसोसिएटेड, कितने डिसोसिएट हो गए 100 में 100, और कितना लिया था आपने मॉलिक्यूल्स 100 मॉलिक्यूल्स लिया था, टेकन 100 मॉलिक्यूल्स, कितना जाएगा बेटा आंसर आ गया 1। और इसको अगर आप परसेंट बदलना चाहते हैं तो जो नंबर आ रहा है ना उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आंसर आ गया 100%, मतलब 100% ये डिवाइड हो गया। अब एग्जांपल और समझिए, मान लेते हैं कि हमने ले लिया बच्चों 100 मॉलिक्यूल्स, किसका ले लिया CH3COOH, कैसा एसिड है ये, वीक एसिड है, पहले कौन सा एसिड लिया था सल्फ्यूरिक एसिड, इसके पहले वो क्या था स्ट्रांग था, पूरा ब्रेक हो गया। अब बेटा इसको जब आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे वाटर में, इसका बेटा केवल 30 मॉलिक्यूल्स क्या बन जाता है CH3COOH और H+, कितने मॉलिक्यूल्स बनते हैं ओनली 30 मॉलिक्यूल्स और 70 मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं इसी में नीचे सेटल रहते हैं, 70 मॉलिक्यूल्स किसके CH3COOH के, ये ब्रेक नहीं हो रहे। तो बताइए इसका अल्फा कितना होगा बच्चों, तो अल्फा जो बेटा वैल्यू हो जाएगी, कितने डिसोसिएट हुए 30, कितने लिए थे मॉलिक्यूल्स 100, कितना आंसर आया 0.3 परसेंट में कन्वर्ट करिए 0.3 × 100% आंसर कितना आया 30%। ओके तो याद रखिएगा जितने भी वीक एसिड होते हैं उनका जो अल्फा का वैल्यू होता है बच्चों वो हमेशा क्या होता है 30% से कम होगा हमेशा, और जो स्ट्रांग होते हैं उनका क्या होता है बच्चों 100% होता है, पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाते हैं। आई होप आप लोग हमारी बात समझ में आ गई होगी, इसको नोट में पॉइंट लिख लीजिए। फॉर स्ट्रांग एसिड अल्फा की वैल्यू क्या होती है 1 होती है या 100% होती है, ओके 1 और 100%। अब बेटा वीक एसिड के लिए क्या होता है जो अल्फा की वैल्यू होती है वो 30% से कम आता है, ओके 30% का मतलब हुआ 0.3 और 30%। बातें समझ में आ गई होगी हमें लग रहा है, बहुत इसमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। चलिए बेटा नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट बच्चों टॉपिक है डाइल्यूट एसिड। अब बेटा एक होता है कंसंट्रेटेड एसिड, डाइल्यूट एसिड को बच्चों लिखा जाता है DIL एसिड, और इसको बच्चों लिखा जाता है CONC एसिड। डाइल्यूट को दिल मत समझ लीजिएगा, लैब में गए दिल लिखा है समझ गए दिल के लिए अच्छी दवा है, पी गए उठा के निपट गए वहीं पर, ये खतरनाक है ध्यान दीजिएगा।
और कॉन्क लिखा, कॉन्क मतलब कंसंट्रेटेड, गाढ़ा इसका मतलब होता है गाढ़ा, डेंसिटी ज्यादा है इसका मतलब होता है हल्का। तो जिसमें बेटा वाटर ज्यादा मिला दोगे वो डाइल्यूट हो जाता है, और जिसमें पानी कम होगा गाढ़ा टाइप का होगा उसको क्या बोलेंगे, कंसंट्रेटेड। जैसे मान लीजिए कि हनी आपने रखा है, कि एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हनी प्योर है तो प्योर हनी कैसा होगा, कंसंट्रेटेड, गाढ़ा होता है, डेंसिटी ज़्यादा होती है। उसी में बच्चों आधा ग्लास हनी ले लो, आधा पानी डाल दो, या आधे से थोड़ा ज़्यादा पानी डाल दीजिए, मान लो 30% ले लिया हनी और उसमें 70% वाटर मिला दिया तो हल्का हो जाएगा, तो कैसा बोला जाएगा बच्चों, उसको बोलेंगे डाइल्यूट। ओके, आई डिफाइन कर लेते हैं इसे। ओके बच्चों, तो देखिए डाइल्यूट एसिड डेफिनेशन क्या होगी, एसिड सोल्यूशन हैज लो परसेंटेज ऑफ एसिड एंड हाई परसेंटेज ऑफ वाटर, लो परसेंटेज ऑफ एसिड हाई परसेंटेज ऑफ वाटर। फॉर एग्जांपल कहीं लैब में गए, डाइल्यूट एसिड लिखा हुआ है बॉटल पे, इसका मतलब क्या हुआ, उसमें बेटा वाटर हमेशा ज्यादा होगा। देखिए 70% क्या है, ज्यादा है, 30% क्या है, कम है, तो एसिड कम है ना, इसलिए उसे क्या बोलेंगे, डाइल्यूट। और कंसंट्रेटेड क्या है, जो गाढ़ा होगा, तो गाढ़ा कब होगा, जब एसिड ज्यादा होगा पानी कम होगा। देखिए जैसे कॉन्क एसिड मान लो लिखा है बॉटल के ऊपर, लैब में गए क्या लिखा है, कॉन्क एसिड, इसका मतलब क्या हुआ, मान लो 70% एसिड है 30% वाटर, तो बताइए 70% ज्यादा है ना और 30% क्या है, कम है, यानी वाटर कम और एसिड ज्यादा। इसमें देखिए वाटर ज्यादा एसिड कम, बात समझ में आ गया है कि नहीं, बताइए क्लियर हो गया ना बच्चों। चलिए नेक्स्ट समझते हैं, नेक्स्ट टॉपिक इज डाइल्यूशन ऑफ एसिड। इसका बेटा मतलब होता है एसिड को हम लोग डाइल्यूट कैसे करते हैं, हल्का कैसे करते हैं। ओके, पानी कैसे मिलाया जाता है, पानी मिलाएंगे तभी तो हल्का होगा, तो पानी मिलाने का सही तरीका क्या है, ध्यान समझिएगा। इसका मतलब होता बच्चों हाउ टू मेक एसिड डाइल्यूट, मतलब एसिड को हल्का कैसे बनाया जाए। देखो इसके मैं दो तरीके बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, फर्स्ट मेथड एंड सेकेंड मेथड। फर्स्ट मेथड क्या बच्चों, यह आपने रखा है एसिड और यहां पर रखा वाटर, और सेकेंड मेथड क्या है, ये आपने रखा है एसिड और यहां पर रख लिया वाटर। ओके, ये वाटर है, ये क्या है बच्चों, एसिड है, इसमें भी क्या है एसिड है, इसमें क्या है वाटर है। बताइए कौन सा तरीका सही, सोच के बताइएगा, एसिड को वाटर मिलाइए ये सही है, या वाटर को एसिड मिलाइए, कौन सा तरीका सही है बताइए सोच करके, डाइल्यूट कैसे बनाएंगे, वाटर को एसिड मिलाए या एसिड को वाटर मिलाए, हमारी बात समझ लीजिए, और वीडियो पॉज करके सोचिएगा फिर देखना वीडियो आगे। देखो बेटा एसिड क्या होता है ना, आप एक बॉइलिंग ऑयल मान लीजिए, जैसे मान लीजिए कि घर में पूड़ी बन रही है और कड़ाही में रिफाइंड ऑयल उबल रहा है, ठीक है ना, या जलेबी की दुकान पर चले जाइए, जलेबी छाना जाता है ना रिफाइंड में, अब जलेबी छान रहा बैठे वो हलवाई तो निकाले, अब बताओ अगर उस कड़ाही में अगर आप पानी एक लोटा डाल दो, एक गिलास पानी डाल दो, तो क्या होगा, पूरा पानी बेटा स्प्लैश कर जाएगा, मतलब चिटचिटाते हुए ऊपर उड़ेगा, सब उसके आँख पर पड़ जाएगा, उसके पेट पर पड़ जाएगा, वो मर जाएगा, मर सकता है आँख में पड़ गया तो। लेकिन जिस कड़ाही में जलेबी छन रहा उस कड़ाही को उठाइए और ड्रम में डाल दीजिए जिसमें पानी भरा हो, तो क्या होगा, थोड़े बहुत आवाज करेगा ऐसे करके, फिर बंद हो जाएगा, क्यों भाई, इसी का आवाज आएगी ना, ऐसे करेगा फिर शांत हो जाएगा। जैसे घर पे आप देखिए, जैसे आप दाल में तड़का देते हो तो कैसे देते हो भाई, तड़का लिया ऐसे दाल में डाल दिया, थोड़ा आवाज करता शांत हो जाता है कि नहीं, लेकिन अगर उसमें फ्राई पैन में अगर दाल को डालो तो आग पकड़ लेता है कि नहीं, तो ये मतलब है, या ऑयल में पानी डालो तो चिपचिपाता है, उड़ता है, स्प्लैश करता है ना बच्चों, बात समझ रहे हैं। तो सही तरीका कौन सा हो गया, एसिड को वाटर में या वाटर को एसिड में, सोचिए सोचिए, वाटर का डाल देंगे एसिड में ना स्प्लैश हो जाएगी, ये गलत तरीका है, ये तरीका सही है। ओके, तो इसका बेटा आंसर क्या हो गया, कैसे करते हैं डाइल्यूट एसिड को, तो इसका बच्चों आंसर हो जाएगा, कैसे करेंगे, एसिड
मिक्स इनटू वाटर, इट इज राइट मेथड, इट इज कॉल्ड ए डाइल्यूशन ऑफ एसिड। ओके बच्चों, अच्छा देखिए डाइल्यूशन हो गया। अच्छा एक जरा टर्म और समझ लो, कंपिटिटिव वे है, कंपटीशन का क्वेश्चन है। एक बच्चा होता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मतलब पानी बहुत ज्यादा कर दीजिए, है ना, वाटर के अमाउंट इतना ज्यादा कर दीजिए। आप सुनो एसिड वन ड्रॉप और वाटर हो जाए मान लो 1000 लीटर, वन ड्रॉप एसिड और 1000 लीटर वाटर, तो उस एसिड तो उसी में खो जाएगा बेचारा, पता नहीं कहा। आप सोचो क्या आपने वन ड्रॉप लिया और उसको बेटा सी में मिक्स कर दिया या ओशन में मिक्स कर दिया, तो यहां क्या बनेगा बताइए, इनफाइनाइट डाइल्यूट एसिड सॉल्यूशन बनेगा कि नहीं बताओ। एक बूंद ले जाके समुद्र में ऐसे टपका दो HCl का, वन ड्रॉप एसिड मतलब HCl, और वाटर में इसको टपका दो एक बूंद, तो बताओ क्या वो सॉल्यूशन कहा जाएगा उसे, बिल्कुल नहीं कहा जाएगा। इसको बेटा बोलते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मतलब उस डाइल्यूशन कोई मतलब नहीं है। ओके इनफाइनाइट कर दिया डाइल्यूशन आपने, वाटर बहुत ज्यादा ले लिया। ओके बेटा आई होप आप लोग मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो देखो बेटा हमने क्या क्या चीजें डिस्कस कर लिया, ध्यान सुनिएगा, ऑर्गेनिक एसिड, मिनरल एसिड और क्या बताया, स्ट्रॉन्ग एसिड और क्या बताया बच्चों, वीक एसिड और क्या बताया, और कौन बताया, डाइल्यूट एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड, ठीक है ना, इतने ही एसिड होते हैं। ठीक है बच्चों, बाकी इसी में अलग अलग टर्म्स बोला जाता है लेकिन मेन बेटा इतने होते हैं। उसमें भी मेन कौन से एसिड, दो हैं, कौन से, ऑर्गेनिक एसिड एंड मिनरल एसिड, दो तरह के ही एसिड होते हैं, इसी में कम ज्यादा वाटर मिला के नई नई चीजें बनाई जाती हैं। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अब बेटा नेक्स्ट पढ़ना हम लोग को बेसिसिटी ऑफ एसिड, बहुत ध्यान समझिएगा, बेसिसिटी ऑफ एसिड बेटा इसका मतलब क्या हुआ, बेसिसिटी ऑफ एसिड बेटा इसका मतलब होता है कि इट इज द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट इन एन एसिड। ओके इट इज नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन यानी H प्लस हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट इन एन एसिड। देखो अब इसको थोड़ा सा हम लोग इजी लैंग्वेज में समझ लेते हैं कि क्या मतलब हुआ। देखो इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन गिवेन बाई वन मॉलिक्यूल यहां पर एक्स और ऐड कर दो इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड, गिवेन बाई वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन। ओके नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन गिवन बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड इन इज एक्वस सॉल्यूशन, बहुत ध्यान सुनना बच्चों। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे HCl ले लेते हैं, तो HCl कैसे होता है बच्चों ध्यान समझिएगा, जैसे HCl है इसको आप वाटर में डिजोल्व करिए तो कितने H बाहर आते हैं, ऐसे ब्रेक होता है ना, H प्लस Cl माइनस, कितने H निकला, 1। तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई बच्चों, बेसिसिटी हो गई 1, मतलब जितने एच आयन इसमें से बाहर आएगा उसी को उस एसिड का बेसिसिटी कहते हैं। कोई नई बात नहीं बता रहे, सब जानते हो आप सुनिए, आपसे आपने एक सेकेंड ले लिया कौन सा, HNO3, इसको वाटर में डिजोल्व करिए, O को थोड़ा बड़ा लिखिए,
वाटर में डिजोल्व करके कैसे ब्रेक होता है, एच प्लस प्लस एन ओ थ्री निगेटिव, कितने एच निकले, वन, तो इसकी बेसिसिटी भी कितनी हो गई, वन हो गई। याद रखना बेटा, एसिड के लिए बेसिसिटी बोलते हैं और बेस के लिए एसिडिटी कहा जाता है, उल्टा चलता है। क्यों चलता है नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, या आप सोच के हमें बताना। एक और एग्जांपल देखो, H2SO4, इसको बच्चों वाटर में डिजोल्व करेंगे कैसे बनेगा, 2H प्लस, देखो 2H है ना, तो बस यहाँ 2 लिख दो, 2H प्लस प्लस SO4, कितने चार लगेंगे माइनस वाले, जितने H है कितने H है, 2 है, तो 2 नेगेटिव लगेगा, इसमें कितना H था 1, इसलिए 1 नेगेटिव लगा, इसमें कितने H है 1, इसलिए 1 नेगेटिव लगा। ओके बच्चों, बताओ इसकी बेसिसिटी कितनी होगी, इसका बेटा जो बेसिसिटी होगा वो 2 होगा क्योंकि 2H बाहर आ रहा है। ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। एक एग्जांपल और समझ लेते हैं, जैसे मान लो लिखा हो H3PO4, नाइट्रिक एसिड ये था, ये सल्फ्यूरिक एसिड, ये बच्चों है फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, इसको बेटा जब आप वाटर में डिजोल्व करेंगे तो कैसे ब्रेक होता है, 3H प्लस प्लस PO4, कितने H हैं, 3, 3 नेगेटिव, कितने H निकले, 3, बताइए इसकी बेसिसिटी कितनी होगी, इसकी बेसिसिटी होगी 3, तो आई होप हमारी बात आप लोग समझ गए होंगे, 3, तो आइए इसको हम समराइज कर लेते हैं बच्चों। एक एग्जांपल और समझिए, जैसे बेटा आपसे कहा जाए, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे लिखा हो CH3COOH एसिटिक एसिड, इसको बेटा जब आप पानी में डिजोल्व करते हैं तो देखिए ऐसा नहीं कि इसमें 3 और एक ये 4H निकलेगा, ऐसा नहीं होता बच्चों, ध्यान समझिएगा, बहुत ये इंपॉर्टेंट है, इसका सिर्फ ये जो H है ना यही आयंस बनाता है, ये नहीं बना पाता, जो भी C के साथ H जुड़ा होता है, C के साथ क्या जुड़ा हो, H जुड़ा हो, वो कभी भी आयंस नहीं बनाता, आयंस कौन बनाता है, जो इसके अलावा H बचेगा, तो ये लास्ट में बच रहा है इसलिए आयंस बनाता है, तो कैसे लिखते हैं हम लोग, CH3COO और केवल बेटा एक H बाहर आएगा, कितने H बाहर आ रहे हैं, 1, इसलिए 1 निगेटिव रहेगा, बातें समझ आ गई, इसकी बताइए बेसिसिटी कितनी होगी, 1 होगी। ओके बच्चों, आइए समराइज कर लेते हैं, एसिड और उसकी बेसिसिटी और उसका नेम, नेम ऑफ एसिड, बहुत ध्यान समझिएगा, देखिए एसिड के और भी टाइप होते हैं जो हम सीखा, देखो कुछ एसिड और नेम मैं बता दे रहा हूं, ध्यान समझना, जैसे लिखा हो HCl, HNO3, ओके, और CH3COOH, बताओ इसमें कितने H आयंस बाहर आते हैं, तो 1 आता है, क्यों एक H आता है ना, इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, 1। ऐसे बेटा एसिड को जिसमें सिर्फ एक एच आयन, एच ओनली वन एच आयन बाहर आता है या उसको गिवन करता है वाटर में डिजोल्व करने पर, दोज एसिड्स, ये सारे एसिड्स क्या बोले जाएंगे, मोनो बेसिक एसिड, क्या बोले जाएंगे बच्चों, मोनो बेसिक एसिड, ये गैप मत देख लिखिएगा, ये पूरा एक वर्ड है। ओके, अब सेकेंड एग्जाम्पल, जैसे बच्चों लिखा हो H2SO4 H2SO3 H2CO3, बताइए कितने H आयन निकलते हैं इसमें, 2H प्लस, यानी बेसिसिटी कितनी हो गई बच्चों इसकी, इसकी बेसिसिटी हो गई 2। और ऐसे बेटा जो एसिड होते हैं दे आर कॉल्ड एज डाई बेसिक एसिड, डाई बेसिक एसिड, डाई बेसिक एसिड। ओके, एंड थर्ड बेटा कैटेगरी कौन सी है, जैसे लिखा H3PO4, और भी होते हैं, मैंने एक एग्जांपल लिया क्योंकि आपको सिलेबस सिर्फ एक की जरूरत पड़ती है, तो कम से कम याद करिए, क्यों टेंशन लेंगे, कितने H फर्निश करता बच्चों, 3H, तो बेसिसिटी कितनी हो गई, 3, क्या बोलेंगे बच्चों, ट्राई बेसिक एसिड। कैसे ब्रेक होता है इसको मैं बता दूं, इसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था,
आइए बता देते हैं कि फास्फोरिक एसिड कैसे ब्रेक होता है। H3PO4 जब इसको आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो कितने एच है, थ्री ना, तो 3H++ क्या बचा बच्चों, PO4। कितने माइनस लगेंगे सोच के बताइए, जितने H उतने ही माइनस, कितने H है देखो यहां पर, कितने H है, 3, यहां कितने चार्ज होगा, 3 नेगेटिव। ओके बच्चों, ताई बाबा को हमारी बात आज समझ में आ गई होगी, लेक्चर ज्यादा लंबा हो जाता है बच्चों, इसलिए आज हम लोग माय डियर स्टूडेंट इस लेक्चर को यहीं पर स्टॉप करते हैं। और हम लोगों ने आज क्या क्या सीखा, आज बेटा उन्होंने सीखा क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड, और क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड मैंने आपको क्या क्या बताया, ऑर्गेनिक एसिड, मिनरल एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, ओके, कंसंट्रेटेड एसिड, डाइल्यूट एसिड, और कौन से एसिड बताया, मोनो बेसिक एसिड, डाई बेसिक एसिड, ट्राई बेसिक एसिड। तो गिन लो कितने हो गए, 10-12 हो गए हमारे हिसाब से, जो भी हो, इतने टाइप बेटा आज एसिड होते थे। आज हमने क्या पढ़ा, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। ओके बेटा, मैं आप लोग को होमवर्क दे रहा हूं, फिर आपको बताइएगा आप लोग कि सारे एसिड जितने भी मैंने पढ़ाया आपको, स्ट्रॉन्ग वीक सारे, उनको बच्चों आप लोग एक एक यूज हमें बताइएगा जरूर। आपका होमवर्क क्या है, राइट एनी टू यूजेस ऑफ डिफरेंट, या ऐसे लिख देते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड्स। ओके, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के आप सबके दो दो यूजेस हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ओके बेटा, तो चलिए आज का लेक्चर बेटा ये पे स्टॉप करते हैं, बहुत गर्मी है, हमारे पास एक्सटर्नल माइक भी नहीं होता, बड़ी मेहनत से आप लोग के लिए हम लेक्चर बनाता हूँ, इसलिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। ओके बच्चों, ठीक है, गुड नाइट, बेस्ट ऑफ लक, मन लगा के पढ़िए और घर पे रहिए क्योंकि कोरोना इफेक्ट चल रहा है। ओके बच्चों, ठीक है, बाय, टाटा, गुड नाइट, बेस्ट ऑफ लक, बाय, ऑफ करिए, गुड नाइट।